चलिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? प्लीज कंफर्म करिएगा मेरी वॉइस ऑडिबल है और पीपीटी विजिबल हो रही है, देन हम क्लास को फर्दर प्रोसीड करें। प्लीज कंफर्म करिएगा बच्चों। चलिए ओके डियर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में हम आज बात करेंगे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक कौन से हमारे ओवरऑल फार्मा हमारे टैनिंस जो है, ठीक है, एस्टोमेटा, उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके चलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड ग्रुप्स हैं, जो भी आपके फार्मा सर्किल्स में स्टूडेंट्स हैं, आप तान्या बेटा वो पोस्टपोन हो गई है ड्यू टू टेक्निकल इश्यू, ठीक है, वो कल हो जाएगी डिस्पेंसिंग की क्लास, ठीक है। आपके जो भी फार्मा ग्रुप्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल है, आप लिंक्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो भी फ्रेंड हैं, जो भी फार्मा स्टूडेंट हैं, वो क्या हो सके, इसके पार्ट हो सके और डिस्कशन का पार्ट हो और वो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का एमसीक्यू सेशन, ठीक है। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से हमने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब चलो देख लेते हैं कि स्टेटमेंट हमारे कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टी शेप्ड, क्या टी शेप्ड ट्राइकोन्स आर फाउंड इन पारिथ्रम। ओके नेक्स्ट क्या है, नक्सोमिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेक्नोस नक्सोमिका हैज लिग्निफाइड ट्राइकोम। ओके थर्ड वन इज फॉक्स ग्लो लिव्स हैज एनमोसिटिक स्टोमेटा एंड फोर्थ वन इज वसाका हैव पैरासिटिक स्टोमेटा। कौन सा यहां पे हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, आंसर फास्ट। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी के आंसर सही है ऑलमोस्ट, दैट इज डी, वसाका हैज पैरासिटिक स्टोमेटा। वसाका में आपको पैरासिटिक नहीं, डायसिटिक, क्या डायसिटिक एस्टोमेटा आपको देखने को मिलेगा। प्रियंका बेटा बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, एंजाइटी तो बिल्कुल नहीं होनी है, हमने एंजाइटी की ड्रग पढ़नी है, हमें एंजाइटी का शिकार नहीं होना है, ठीक है। चलिए और बिल्कुल आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके का डीमोटिवेशन मत रखिए, मोटिवेट रहिए, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इज डी, जैसा कि हमने बात किया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके यहाँ पे हमारे क्या है, अलग अलग टाइप्स के स्टोमेटा और कौन कौन सी ड्रग्स में हमारे क्या है ये स्टोमेटा हमारे प्रेजेंट है, अल्टरनेट एन नंबर ऑफ टाइम्स आपके इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके आप स्क्रीनशॉट इसका चाहो तो ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है। और क्या है, यहाँ पे हमारे ट्राइकोम्स आ जाते हैं, ट्राइकोम्स लाइक हमारे क्या है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स हमारे क्या है, नक्सोमिका में है, स्ट्रोपैंथस ग्रेटस में है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या है, यूनिसेलुलर सॉल्ट टाइप है हमारा, पॉइंटेड है, किसमें है, कैनाबिस में है। चलो मनीष टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है बेटा, टाइम मैनेजमेंट करिए, और डर लग रहा है, डर के आगे ही तो जीत है बेटा, डर के आगे ही जीत है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई दी मिसमैच मिसमैच्ड पेयर। इसमें से कौन सा पेयर हमारा क्या है मिसमैच्ड है, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, सिंकोना रूबिएसी फैमिली, जो भी हमारी ड्रग क्या है उसकी फैमिली दी हुई है, हमें बताना है कौन सा यहाँ पे क्या है मिसमैच है, ठीक है। अब सिंकोना रूबिएसी वसाका एटेंथेसी अश्वगंधा सोलेनेसी एंड आमला कॉम्बेटेसी, आंसर फास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मिसमैच कौन सा है हमारा। चलिए बहुत अच्छे, क्या है आपका आमला, क्या है आमला, क्या होता है वैसे आमला का, आमला कॉम्बर टेसी तो नहीं है, क्या होता है आमला का, U4BAC, क्या है आपका U4BAC आमला का, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम की बात करें तो इंडियन गूसबेरी, क्या है इंडियन गूसबेरी भी हम आमला को ही बोलते हैं। चलिए करेक्ट आंसर इज डी जो कि मिसमैच्ड है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली सिनोनिम, सिनोनिम्स ऑलमोस्ट हर ईयर में एक बार तो आपका आया ही हुआ है, लाइक आपका
जूश बार्ग भी पूछा हुआ है, ओके, इंडियन गूज बेरी भी पूछा हुआ है, पेरुवियन बार्ग पूछा हुआ है, जो कि आपका आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स है लाइक सिंकोना का आपका, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिस लेनिस, सिंकोना लेटजेरियाना, ये सारे आपके हो गए। देन अमला फिलैंथस एम्बलिका, फैमिलीज यहाँ पे दी हुई है, मेंशन है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टोटल एस वैल्यू ऑफ क्रूड ड्रग सिग्निफाइज, टोटल एस वैल्यू ऑफ क्रूड ड्रग सिग्निफाइज, एस वैल्यू। अब पहले तो टोटल एस वैल्यू क्या होता है, सिंपल पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी हमारी जो ड्रग है उसको इग्नाइट कर दिया, यानी कि कंप्लीटली उसको बर्न करा दिया, तो उसके बाद जो हमारी एस वैल्यू आ रही है वो हमारा क्या करेगा, क्या सिग्निफाई करेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट, मटेरियल, मिनरल मैटर ऑफ ड्रग, दूसरा क्या है आपका मिनरल मैटर एंड वुडी मैटर प्रेजेंट इन ड्रग, थर्ड वन इज वुडी मैटर एंड एक्सट्रेनियस, क्या एक्सट्रेनियस मैटर प्रेजेंट इन दी ड्रग, फोर्थ वन इज मिनरल मैटर एक्सट्रेनियस मैटर प्रेजेंट इन दी ड्रग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपने ये बताना है कौन सा यहाँ पे आपका क्या है करेक्ट है, कि टोटल एस वैल्यू आपका क्या सिग्निफाई करता है। चलिए बहुत अच्छे, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अगेन डी इज दी करेक्ट आंसर, डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है, क्या है मिनरल मैटर एंड एक्सट्रेनियस मैटर प्रेजेंट इन दी ड्रग। एक्सट्रेनियस मैटर क्या होता है, जो भी सॉयल या फिर सैंड आपके प्लांट के से क्या होता है लगा हुआ होता है, एडहेयर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सट्रेनियस मैटर बोलते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं कि मेनली मिनरल मैटर और एक्सट्रेनियस मैटर के लिए मेनली किया जाता है, ठीक है। टोटल अमाउंट क्या है आपका मिनरल आफ्टर इग्निशन, क्या आपका उसमें क्या है बचा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वही हमारा क्या होता है एस वैल्यू। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड, इसमें से कौन सा हमारा जो फीचर है कैरेक्टरिस्टिक है सीड का नहीं होता है। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, कौन कौन से ऑप्शन है, कैलिक्स, हाइलम, माइक्रोपाइल एंड जेफे, आंसर फास्ट जल्दी आंसर करिए। चलिए बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर क्या है आपका, क्या है कैलिक्स, कैलिक्स इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोल एल्कोलॉइड। पहले तो आपने ये बताना है कि कौन कौन सी ड्रग यहाँ पे क्या है आपका इंडोल एल्कोलॉइड में नहीं आएगी, जो कि हमारा क्या है इंडोल एल्कोलॉइड का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शंस आपके क्या है, क्रोफिग है, पेरीविंकल है। अच्छा ये बताइएगा पेरीविंकल किसका सिनोनिम है, पेरीविंकल आपका किसका सिनोनिम है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा जल्दी से। एंड कैलाबार ट्री साउथ अमेरिकन एरोरूट पॉइजन, इसी को हम क्या बोलते हैं टोमेंटोसम ट्यूबरोसम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, विच वन इज करेक्ट जल्दी जल्दी, बिल्कुल ड्यू ट्यूबर कुरेन, इसी से आपका ऑप्टेन होता है साउथ अमेरिकन एरोरूट पॉइजन से। चलिए करेक्ट आंसर इज सी, सी क्या है आपका कालाबार ट्री, ठीक है। पेरीविंकल विंका, सुमित बहुत अच्छे, पेरीविंकल क्या है आपका विंका, विंका रोजिया कैसरेंथस रोजिया, उसी को हम क्या बोलते हैं पेरीविंकल भी बोलते हैं, विंकेस्टिन विनब्लास्टिन हमारी उसी से क्या होती है ऑप्टेन होती है। चलिए सी कैलाबार्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, मैच दी फॉलोइंग ड्रग विद देयर करेस्पॉन्डिंग स्टोमेटा, ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं, आपने ये बताना है कि किस टाइप के स्टोमेटा इसमें मेनली हमारे प्रेजेंट रहेंगे। ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे आपके, रुबेसियस और क्या है आपका पेपरमिंट, स्पर्मिंट एंड वसाइका, कैरियोफाइलस, कोकासेना, क्रूसीफेरियस, बैचू, डिजिटैलिस, लोबेलिया, रेनानकुलेसी में आपका बेलाडोना धतूरा एंड स्ट्रामोनियम, ठीक है। आंसर फास्ट जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मुसर्रत, सानिया, सबुन, वेरी गुड, मेजोरिटी ऑफ दी ऑलमोस्ट सभी के आंसर बी। बी क्या है आपका, बी क्या कह रहा है, पी में आपका क्या है सेकंड है, पी में क्या है कोका, रुबेसियस में आपको क्या
कोका और सेना क्यू में आपको क्या है, दैट इज कैरियोफाजेसी में आपको पिपरमिंट और स्परमिंट देखने को मिलेगा। देन आपका क्या है, आर में फोर्थ है दैट इज बेलाडोना, क्रूसीफेरियस में और धतूरा, एंड एस दैट इज एनाथुलेसियस में जो आपका लास्ट में है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का स्टोमेटा, आपका कई बार पूछा हुआ है स्टोमेटा से क्वेश्चन कि आपके ये स्टोमेटा है, अब इसमें किस टाइप की आपकी ड्रग में ये स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, तो वो आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। सिनोनिम्स दिए हुए हैं लाइक एसाफोरेटिडा, डेविल्स डंग, ओके। टर्मरिक को हम क्या बोलते हैं, इंडियन सेफ्रॉन। कोलोसिंथ क्या है आपका, एम्बरजेसिन, एंड गूगल दैट इज कॉमिफोरा। आपने बताना है कि यहाँ पे आपका क्या है, इनकरेक्ट क्या है। चलिए बहुत अच्छे, क्या है आपका एम्बरजेसिन, जो कि आपका क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट सिनोनिम आपका एम्बरजेसिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम देख लेते हैं सिनोनिम्स, सारे सिनोनिम्स आपके इंपॉर्टेंट है, लाइक आपका डेविल्स डंग है या फिर फूट ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं। देन इंडियन सेफ्रॉन आपका टर्मेरिक का हो गया, गूगल हो गया आपका कॉमिफोरा। चलिए डेडली नाइट शेड लीफ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, जुस्ट बार भी पूछा हुआ। इंडियन टबैको या फिर आपका अस्थमा बीड भी इंपॉर्टेंट है। चलिए वैसे कोई बताएगा कि माहुआंग किसका है, एनीवन कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिटर एप्पल, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, विच इज दी टिपिकल रिएजेंट यूज्ड टू डिटेक्ट वोलाटाइल ऑयल इन ए गिवन सैंपल। अब रिएजेंट हमारे कौन कौन से हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड सॉल्यूशन, लेड एसिटेट, फेरिक क्लोराइड एंड सुडान थर्ड सॉल्यूशन। कौन सा हमारा क्या है, किस टाइप का है हमारा, इफेड्रा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी के आंसर इफेड्रा। चलिए ओके, यहाँ पे आपने बताना क्या है कि टिपिकल रिएजेंट किसमें यूज किया जाता है, वोलाटाइल, किसी भी गिवन सैंपल में हमने क्या डिटेक्ट करना है, वोलाटाइल ऑयल को डिटेक्ट करना है। तो आपके यहाँ पे क्या है, टिपिकल रिएजेंट कौन सा होगा, कौन सा यूज किया जाता है। आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करिए। चलिए बहुत अच्छे, आपका क्या है, वेरी गुड, मा हुआंग आपका इफेड्रा का है और डा हुआंग यहाँ पे किसका, चाइनीज जुबाब का। बहुत अच्छे। चलिए अब यहाँ पे हमारा क्या है, सुडान थर्ड सॉल्यूशन करेक्ट आंसर है। रेड कलर का, क्या रेड कलर का आपको यहाँ पे अपियरेंस ऑयल ग्लोब्यूल्स की देखने को मिलेगी, जो कि शो करता है क्या, वोलाटाइल ऑयल के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ये हो गया क्या आपके यहाँ, टेस्ट हो गया, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया किसके लिए, वोलाटाइल ऑयल के लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा, कंसीडर क्या, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूसिलेज गम एंड आइडेंटिफाई द मिसमैच। मिसमैच क्या है आपके यहाँ पे, टेस्ट सॉल्यूशन प्लस रूथेनियम रेड, क्या कलर शो कर रहा है, पिंक कलर। नेक्स्ट क्या है आपका, टेस्ट सॉल्यूशन प्लस थायोनीन सॉल्यूशन, कलर क्या आ रहा है हमारा, वॉयलेट रेड कलर। थर्ड वन इज टेस्ट सॉल्यूशन डायल्यूटेड सीएल प्लस फेलिन सॉल्यूशन, क्या कलर आएगा आपका, रेड कलर। फोर्थ वन क्या है आपका, टेस्ट सॉल्यूशन प्लस डायल्यूटेड सीएल प्लस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ब्लू कलर। विच वन इज करेक्ट, कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि मिस मैच यहाँ पे कौन सा है आपका। चलिए बेनेडिक्ट, बहुत अच्छे। डी क्या है यहाँ पे आपका, ब्लू है, बट ये शो क्या करेगा, ये आपका शो करेगा रेड कलर, क्या बेनेडिक्ट रेड, आपने पढ़ा भी होगा खंडेलवाल बुक में, अपना कोग्नोसी में परफॉर्म किया होगा। ठीक है, डी इज द मिसमैच, मिसमैच है, और करेक्ट क्या होगा आपका, म्यूसिलेज की प्रेजेंस आपका यहाँ पे रेड कलर क्या करेगा, शो करेगा, एक्वस एक्सट्रैक्ट प्लस डायल्यूट एचसीएल, और क्या है आपके यहाँ पे, बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होगा, रेड कलर, क्या रेड कलर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं, मर्क्यूरियस नाइट्रेट इज द की रिएजेंट टू डिटेक्ट, क्या क्वेश्चन है,
मर्क्यूरियस, नाइट्रेट आपका क्या है, की रिएजेंट है किसको डिटेक्ट करने के लिए, किसको डिटेक्ट करने के लिए, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड एंड काउमेरिन ग्लाइकोसाइड। चलिए इसी के साथ, चलिए पहले ये बता लीजिए, फिर इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ, आंसर फास्ट। चलिए बहुत अच्छे, सी इज द करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन आपसे और ये है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में एज ए स्टैंडर्ड हम कौन सी ड्रग को प्रिफर करते हैं, आंसर करिएगा, आंसर फास्ट, इंपॉर्टेंट है, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड को मेनली हम स्टैंडर्ड, इसमें अगर हम स्टैंडर्ड देखना चाहें तो कौन सी ड्रग से हम उसका स्टैंडर्ड कंपेयर करते हैं, तो वहां पे आपने स्टैंडर्ड बताना है। चलिए थर्ड इज दी, थर्ड यहाँ पे तो आपका करेक्ट है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, मर्क्यूरियस नाइट्रेट, क्या है आपके यहाँ पे, सुमित ओआबेन, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्या है, ओआबेन है। ये आपका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया मेटेलिक मर्करी, और क्या है आपका इन्फ्लुएंस में आपको क्या देखने का मिलेगा, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, क्या, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आपका क्या है, मर्क्यूरियस नाइट्रेट सोल्यूशन है, ओके, देन 3% मर्क्यूरियस नाइट्रेट सॉल्यूशन आपका मेटालिक मर्करी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच आपने यहाँ पे बताना है, ओके, स्ट्रोपेंथिन, ओके, चलिए इनकरेक्ट मैच, फेनल डील एसोफोरिडा अम्बलीफेरी फैमिली की है, सेकेंड क्या है आपका धतूरा टबैको बेलाडोना, क्या, धतूरा टबैको बेलाडोना सोलेनेसी, थर्ड वन इज स्क्विल सिंकोना फेनेल लेग्यूमिनेसी, एंड फोर्थ वन इज स्टार्च सिट्रोनेला ऑयल लेमन ग्रास ऑयल एंड ग्रैमनी, विच वन इज करेक्ट, आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करिए। चलिए बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर इज, जो आपका क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है, दैट इज स्क्विल है आपका, सिंकोना है आपका और फेनल है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आपका जो लिएसी में क्या आएगा, स्क्विल और सिंकोना जो भी आप, सॉरी कोल्ची सीन, क्या है आपका, सॉरी सिंकोना नहीं कोल्ची सीन है वो आपका, क्या है आपका, वो किस में आएगा, लिलियसी में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसलसन टाइप का है, जहां पे आपने पी क्यू आर एस टी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ओके, आपने बताना है यहाँ पे कौन सा आपका क्या है, ट्रू है फॉल्स है। अब यहाँ पे हम देखते क्या है कि सम पॉइंट्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग क्या, सिंकोना जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरुवियन बार्क भी बोलते हैं, पी स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, डी मेथॉक्सी क्विनिन इज कॉल्ड एज सिंकोनिडीन, क्यू क्या कह रहा है, मेथॉक्सी क्विनिडीन इज कॉल्ड सिंकोनिन, आर क्या है, क्विनिन एंड क्विनिडीन, सिंकोनिन एंड सिंकोनिडीन आर डायस्टीरियोमर, एस क्या कह रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर क्विनिन बार सिंथेसिस इज फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, विच वन इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट आपको बताने की कौन सा आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है, चलिए आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करिए, मैं आपको इस तरीके दिख भी नहीं रहा अच्छे से बेटा, एक सेकेंड, अभी ठीक है, अभी विजिबिलिटी क्लियर है पहले से, चलिए अभी विजिबिलिटी क्लियर होगी बेटा। चलिए करेक्ट आंसर क्या है, बहुत अच्छे, ए इज दी करेक्ट आंसर, क्या है आपका, ए, और ए में आपका क्या है, पी और आर स्टेटमेंट, क्या है, पी क्या कह रहा है, डी मिथॉक्सी क्विनिन आपका क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंकोनिडीन बोलते हैं, ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम से फॉन्ट कलर का भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टोमेटा इज एसोसिएटेड विथ प्रोटेक्शन, क्या, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम लीफ, क्या है, पैरासिटिक डायसिटिक सनकेन स्टोमेटा एंड एनाइसोसिटिक स्टोमेटा, आंसर फास्ट,
विच स्टोमेटा। चलिए बहुत अच्छे, अब संकीर्ण स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो भी आपके क्या है डिजर्ट वाले, क्या डिजर्ट वाले प्लांट है, लाइक आपका कैक्टस हो गया, ठीक है, जो जिसको नागफनी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लीव्स रहती है, क्या लीव्स आपकी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, स्टेम में, ताकि कम से कम आपका क्या हो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो किसका, आपका वहां पे जो भी आपका लीव से वाटर का क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज है, वो कम से कम वाटर लॉस हो सके, ठीक है। बिल्कुल आपका इफेड्रा में, ठीक है, बहुत अच्छे, इफेड्रा में भी होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, संकरण स्टोमेटा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये क्या होते हैं, हिडन स्टोमेटा होते हैं, मेनली क्या होता है वाटर लॉस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं वाटर लॉस को डिक्रीज करते हैं। डिजर्ट, हॉट डिजर्ट प्लांट्स में, हॉट डिजर्ट प्लांट्स जो होते हैं मेनली उसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच प्लांट हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से आपका कौन सा प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड होता है, ऑक्सिन, GA3, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, ABA। आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करिए। सेल डिवीजन से रिलेटेड कौन सा होता है आपका, चलिए बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन वर्ड ही बता रहा है सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज साइटोकाइनिन। अब यहाँ पे क्या है हमारा एक्सप्लेनेशन मेंशन है, ऑक्सिन क्या हो गया हमारा सेल डिवीजन में, साइटोकाइनिन। अच्छा, इथिलीन गैस, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके जो भी फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने के लिए मेनली कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो आपका इथिलीन गैस का यूज किया जाता है। दूसरी चीज, जो भी आपके रोटेन फ्रूट्स होते हैं जो सड़ जाते हैं उनसे भी क्या होती है, इथिलीन गैस निकलती है। दैट्स व्हाई कहते हैं ना कि जो मतलब सड़ा हुआ फल रहता है उसके साथ जो रहेगा जस्ट साइड में वो भी क्या हो जाता है, सड़ने लगता है, इसी गैस की वजह से, जो कि उससे क्या होती है, रिलीज होती है और वो क्या होता है जल्दी से वहां पे क्या होती है, उसकी राइपनिंग होने लगती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टार शेप मेडुलरी वेज सीन इन, इंपॉर्टेंट है, स्टार शेप जो होती है आपकी मेडुलरी वेज किस में देखने को मिलती है, टर्मरिक में, रुबाब में, एर्गट में एंड दतुरा में। आंसर फास्ट, फ्रूट राइपनिंग, बिल्कुल फरहत, बिल्कुल सही। चलिए क्या बताया हमने, स्टार शेप मेडुलरी रेज किस में देखने को मिलती है, चलिए वेरी गुड, रुबाब में, किस में, रुबाब में आपको देखने को मिलेगी, करेक्ट आंसर इज रुबाब। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है, कि मेनली पैरेन्काइमा क्या होता है आपका, अबंडेंट होता है, ओके, और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसको हम सिस्टोलिथ भी बोलते हैं, अगर वो क्या हो ब्लिस्टर्स के फॉर्म में आउटग्रोथ वो फॉर्म कर ले, ओके, मेडुलरी रेज क्या होती है यहाँ पे, स्टार शेप यहाँ पे फॉर्म करेगी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इलाइजिक एसिड, क्या है आपका, इलाइजिक एसिड एंड गैलिक एसिड, क्या गैलिक एसिड आर द एग्जांपल ऑफ कंडेंस्ड टैनिन, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन एंड स्यूडो टैनिन। आंसर फास्ट, जल्दी आंसर करिए, किसके बारे में पूछ रहा है आपका, इलाइजिक एसिड एंड गैलिक एसिड किस टाइप के हमारे टैनिन्स के एग्जांपल हैं। चलिए बिल्कुल सही, कौन सा है आपका, हाइड्रोलाइजेबल, क्या होता है आपका, हाइड्रोलाइजेबल दो टाइप, जब पहले तो टैनिन, टैनिन में आपका देन क्या हो गया, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, देन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन में अगेन दो आएगा आपका, क्या आएगा, पहला आएगा आपका क्या, गैलो टैनिन, दूसरा आएगा क्या, इलाइजिक टैनिन। ये आपका क्या हो गया, जिसमें सॉरी हाइड्रोलाइजेबल टैनिन में ये आएगा। चलिए देख लेते हैं इसका हम क्या क्लास है, क्या इसका डिवीजन है, तो टैनिन है कंडेंस्ड टैनिन, कॉम्प्लेक्स टैनिन एंड हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, देन अगेन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, आपका इलाजिक टैनिन जो है वो इलाजिक एसिड और गैलो टैनिन आपका गैलिक एसिड को क्या कराएगा, फॉर्म कराएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं, ओपलसेंट, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, ओपलसेंट पैरेन्काइमेटस इन एसिकुलर रेफाइड्स प्रेजेंट इन
मलर सेब स्टार्च, किस सेब के यहाँ पे स्टार्च है, मलर सेब स्टार्च है, स्टार्च ग्रेन आर दी माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ किसके, रॉवल्फिया जो कि आपका रॉल्फिया सर्पेंटाइना रिजर्पाइन जिससे ऑप्टेन होता है एंटी हाइपरटेंसिव है, कुरारे डी ट्यूबर कुरेन, इपिका सिफेलिस इपिका कुआना, नक्स वोमिका स्टेग्नोस नक्स वोमिका जिसमें से आपका स्टिकनिन और ब्रूसिन ऑप्टेन होता है, ठीक है। इपिका एक आपका वोमिटिंग के लिए मेनली क्या होता है आपका, बीटर एल्कोलाइट भी यहाँ पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। चलिए विच वन इज करेक्ट, जल्दी से आंसर फास्ट। चलिए बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर इज सी दैट इज इपिकैक, क्या है आपका इपिकैक करेक्ट आंसर है। ओके ये आपका क्या हो गया एक्सप्लेनेशन हो गया, आप साफ देख रहे हैं यहाँ पे क्या है आपका स्टार्च ग्रेन, क्या देखने को मिलेगा स्टार्च ग्रेन किस टाइप के, मलर शेप के स्टार्च ग्रेन और रेफाइड्स क्या है एसिकुलर, क्या है एसिकुलर है। सुमित इफेड्रा के अलावा और किस में होता है, बेटा संकेन इंस्ट्रूमेटा है, अर्थ का अनर्थ कर दिया है। जितने भी आपके क्या है जीरोफाइटिक प्लांट हैं, जितने भी जीरोफाइटिक प्लांट हैं डिजर्ट एरिया वाले हैं सभी में आपका ऑलमोस्ट संकेन इंस्ट्रूमेटा प्रेजेंट होते हैं, क्यों होते हैं ताकि कम से कम वाटर लॉस हो सके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं डेडली नाइट शेड, पहले तो ये बताइए डेडली नाइट शेड किसका नाम है, कम्स अंडर ए क्लास ऑफ एल्कोलाइड विच कंटेन, तो देखिए एक क्वेश्चन है अब इससे आपका तीन क्वेश्चन बन रहा है, पहला तो डेडली नाइट्रेट किसका नाम है, देन उसके बाद एल्कोलाइड कौन से हैं, देन एल्कोलाइड कौन से हैं, देन उसके बाद कौन कौन सी रिंग कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, पिरिडीन पाइपरिडीन, दूसरा क्या है पायरोल और पाइपरिडीन रिंग, थर्ड वन इज पायरोलिडीन एंड पाइपराजीन, फोर्थ वन इज पायरोलिडीन एंड पाइपरिडीन, आंसर फास्ट जल्दी से आंसर करिए। चलिए बहुत अच्छे, बैलाडोना, क्या एट्रोपा बैलाडोना जिसको हम बोल रहे हैं, डेडली नाइट सेट इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि किस क्लास जो भी इसके एल्कोलाइड हैं क्या कंटेन करेंगे, कौन सी रिंग कंटेन करेंगे। चलिए डी पायरोलिडीन एंड पाइपरिडीन रिंग, बहुत अच्छे डी इज दी करेक्ट आंसर, ये हो गया कि आपका पाइपरिडीन एंड पायरोलिडीन आपका क्या हो गया रिंग हो गया, आपका क्या है बेलाडोना कंटेन, आपका क्या है टोटल एल्कोलाइड आपका इतने से इतना कितना 0.3 से 1% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रोपेन एल्कोलाइड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका ए ड्रग एक्स ड्राइड रूट आर यूज लीव्स कंटेन स्टीरॉयडल लैक्टोन, ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या है स्टीरॉयडल लैक्टोन हैव इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई एक्स, पिलोकार्पिन वसाका अश्वगंधा एंड एकोनाइट, विच वन इज करेक्ट। आंसर फास्ट जल्दी से आंसर करिए। चलिए बहुत अच्छे सी इज द करेक्ट आंसर, क्या है आपका सी अश्वगंधा, क्या है विदानिया सोमनीफेरा। चलिए विदानोलाइट्स ए बी आपके प्रेजेंट होते हैं जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, और मेनली क्या है आपका स्टीरॉयडल लैक्टोन यहाँ पे आपका रिंग क्या होगा प्रेजेंट होगा, करेक्ट आंसर क्या है आपका अश्वगंधा। चलिए बीटर एल्कोलाइड भी प्रेजेंट होता है, हिपेटोप्रोटेक्टिव भी होता है। चलिए नेक्स्ट ये क्या हो गया आपका अश्वगंधा के बारे में हो गया, मेनली क्या है बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टीरॉयडल लैक्टोन विदानोलाइट्स यूज इम्यूनो मॉड्यूलेटरी हो गया आपका इम्पोर्टेंस में इंसोमनिया में इन सभी में आपका क्या है ये यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका ए ड्रग विच कंटेन डायसिटिक, कैसा इंस्ट्रूमेटा है डायसिटिक इंस्ट्रूमेटा है, नेचुरल एल्कोलाइड वन मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज यूज एज ऑक्सीटोसिन विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टी, कंटेन क्विनाजोलिन न्यूक्लियस, कैसा क्विनाजोलिन न्यूक्लियस आइडेंटिफाई द ड्रग, क्या है पुनर्नवा शंख पुष्पी वसा का नन ऑफ द अबव, आई थिंक पुनर्नवा शायद बोरहाविया डिफ्यूजा ही है इसका बॉटेनिकल नेम, ठीक है आंसर फर्स्ट, बहुत अच्छे। जब भी आता है क्विनाजोलिन क्या क्विनाजोलिन आता है तो वहां पे आपका आता है सीधा वसा का, क्या
वसाका। चलिए संत पुष्पी, संत पुष्पी का क्या बॉटेनिकल नेम है, क्या बॉटेनिकल सोर्स है, कमेंट बॉक्स में ये भी मेंशन करिएगा। चलिए करेक्ट आंसर इज सी, क्विनाजोलिन आपका जो भी एल्कोलाइड है, और डायसिटिक स्टोमेटा आपको वसाका में देखने को मिलेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच इज डिफाइंड एज द नंबर नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ एन बाई टेन KOH सॉल्यूशन रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज वाटर इनसॉल्युबल स्टीम डिस्टिलेबल एसिड्स लिबरेटेड बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ 5 ग्राम ऑफ फैट, पोलेंस वैल्यू, रिचर्ड मेसल वैल्यू, परऑक्साइड वैल्यू एंड एस्टर वैल्यू। आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करिए। कॉमोबुलस प्यूरीफायर्स, बहुत अच्छे। चलिए ब्रेन टॉन्स, ठीक है। चलिए यहाँ कौन सा आपका करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट। चलिए पोलेंस के वैल्यू क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या यहाँ पे पोलेंस के वैल्यू हमारी दी हुई है, वाटर इनसॉल्युबल स्टीम किसको किस लिए रिक्वायर होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या है हमारा जो भी वाटर इनसॉल्युबल, क्या है वाटर इनसॉल्युबल स्टीम वोलेटाइल फैटी एसिड जो कि हमारे क्या हो रहा है डिस्टिल फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट, क्या जो भी हमारा फैट अंडर द प्रिसाइज कंडीशन स्पेसिफाइड इन द मेथड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अमाइनो एसिड प्रिकर्सर ऑफ एनाबेसिन इज, एनाबेसिन आपकी क्या है ड्रग है, उसका आपका क्या है प्रिकर्सर कौन सा है, क्या है उसका हमारा अमाइनो एसिड प्रिकर्सर कौन सा है, ऑप्शन है हमारे क्या, ऑर्निथिन है, सेकेंड वन इज लाइसिन, थर्ड वन इज हिस्टिडीन, फोर्थ वन इज ट्रिप्टोफैन। ऑलमोस्ट हर बार आपको अमाइनो एसिड से एक क्वेश्चन, नहीं तो अल्टरनेट ईयर में अमाइनो एसिड से एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, लाइक किसमें आपका एरोमेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए लाइसिन, बहुत अच्छे, क्या है आपका एनाबेसिन का आपका क्या है प्रिकर्सर क्या है, लाइसिन है, बहुत अच्छे। चलिए बी इज द करेक्ट आंसर, ये क्या हो गया आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है एनाबेसिन है, प्रिकर्सर आपका मेंशन है क्या है लाइसिन है, निकोटीन में आपका ऑर्निथिन या फिर आर्जिनिन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ कोका लीव इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम केमिकल कंटेंट ऑफ, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपका जो भी कोका लीव है, कोका लीव क्या है, ठीक है, इसकी जो भी हमारी क्या है मैक्सिमम, इसका क्या है केमिकल कंटेंट, क्या है इसमें जो भी केमिकल कंटेंट है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इसमें किसमें हमारा मैक्सिमम केमिकल कंटेंट है। ऑप्शन क्या है हमारे, इकोग्निन है, कोकेन है, ट्रॉपिक एसिड है एंड सिनैमिक एसिड है, विच वन इज करेक्ट। चलिए बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर इज इकोग्निन, वेरी गुड, ए इज दी करेक्ट आंसर, आपका क्या है करेक्ट आंसर ए है, जो कि मेनली क्या बताता है कि आपका जो भी यहाँ पे क्या है मैक्सिमम केमिकल कंटेंट ऑफ जो भी हमारा क्या है प्राइस डिसाइड करता है कोका लीव की। चलिए नेक्स्ट क्या है, डेलमेटियन, क्या डेलमेटियन इंसेक्ट फ्लावर इज, पैरिथ्रम, क्लो, कार्डमम एंड जैस्मिन, फ्लावर के बारे में बताना है जिससे आपका क्या है इंसेक्टिसाइड्स भी फॉर्म होते हैं, इंसेक्टिसाइड भी बनाए जाते हैं, ओके, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन आपके चार हैं, क्या क्या है यहाँ पे, पैरिथ्रम है, क्लो है, कार्डमम है एंड जैस्मीन है। चलिए करेक्ट आंसर, यस वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पैरिथ्रम, और इसी से आपका जो भी इंसेक्ट है इंसेक्टिसाइड्स को बनाने के लिए आपका मेनली क्या होता है ये यूज किया जाता है। बात करें अगर इसके क्या बॉटेनिकल सोर्स की, क्या बॉटेनिकल सोर्स की, तो किससे ये ऑब्टेन होता है मेनली, क्राइसेंथमम, किससे, क्राइसेंथमम और सिनेरीफोलियम से, किससे, क्राइसेंथमम सिनेरीफोलियम से, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, इसका हमारा क्या है बॉटेनिकल सोर्स जो भी फ्लावर हेड है उससे ये ऑब्टेन होता है। फैमिली क्या है,
कंपोजिटी जो आपका क्या है सनफ्लावर की जो भी यहाँ पे जो भी फैमिली होती है सेम उसकी भी यही है, पायरेथ्रिन पायरेथ्रिन 1-2 एंड सिनेरिन 1 और 2, ये क्या है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इंसेक्टिसाइड एंड पॉइजन्स में दिया जाता है। पॉइजन से याद आया साइनाइड पॉइजनिंग में हम कौन सा एंटीडोट देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा साइनाइड पॉइजनिंग में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा फाइसोस्टिग्मा। क्या फाइसोस्टिग्मा ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट, एयर और लाइट के एक्सपोजर से फाइसोस्टिग्मा जो होता है वो किस में ऑक्सीडाइज होता है, रूबेसरीन में, जेनेसरीन में, इसरेमीन में एंड इसरोलीन में, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। निशा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या सच में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपका साइनाइड पॉइजनिंग में दिया जाएगा, या फिर ये क्या है अट्रियो और वेनो बोथ डायलेटर है जो कि सिर्फ एक ड्रग है। चलिए एमाइल नाइट्रेट, प्रीति मेघा नाइट्रेट, चलिए क्या है एमाइल नाइट्रेट है, ठीक है चलिए। नेक्स्ट इसमें आपने करेक्ट आंसर बताना है कि विच वन इज करेक्ट। चलिए बहुत अच्छे, क्या है आपका रूबेसरीन, क्या रूबेसरीन इज द करेक्ट आंसर। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया कि जो आपका इसरोलीन होता है, क्या इसरोलीन होता है वो आपका एक रेड कंपाउंड में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, देन वो फर्दर डिकम्पोजिट हो जाता है किसमें, इसरीन एंड इसरीन ब्लू और इसरीन ब्राउन में वो क्या हो जाता है आपका डिकम्पोज हो जाता है या फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइनो एसिड प्रिकर्सर ऑफ फाइसोस्टिग्मिन इज, क्या फाइसोस्टिग्मिन का हमारा अमाइनो एसिड प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ऑर्निथिन या फिर आर्जिनिन, विच वन इज करेक्ट। फाइसोस्टिग्मिन का आपने बताना है अमाइनो एसिड प्रिकर्सर। चलिए बहुत अच्छे, इज द करेक्ट आंसर दैट इज ट्रिप्टोफैन। क्या है ट्रिप्टोफैन है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है, कि आपका एल्कोलाइडल एल्कोलाइड जो आपके बायो सिंथेसाइज होते हैं मेनली कौन कौन से, वहां पे आपके अमाइनो एसिड्स प्रिकर्सर एज ए प्रिकर्सर यूज हो रहे हैं, लाइक आपका ओपीएम एल्कोलाइड में टायरोसिन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिलोकार्पिन में आपका हिस्टिडीन आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइसोस्टिग्मा वेनोसम, बहुत अच्छे, जल्दी में नाइट्रेट का नाइट्रोप्रोसाइड कर दिया, ऐसी जल्दी भी किस काम की बेटा कि क्वेश्चन ही गलत कर दो, हाँ इसीलिए कहा जाता है कोई भी क्वेश्चन हो एटलीस्ट दो बार तो जरूर देखो, एटलीस्ट दो बार, बाकी मैक्सिमम तीन चार जितने भी बार देखिए एटलीस्ट दो बार जरूर देखना। हॉर्स शू शेप्ड, क्या हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल्स आर टिपिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ, किसका, वेरेट्रम, कुलची, अश्वगंधा, इफेट्रा, आंसर फास्ट, किसकी बात हो रही है, हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल्स की, किसका टिपिकल माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है। एक आपने पढ़ा होगा हॉर्स शू क्रैब, किसी टेस्ट में पढ़ा है, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, आप बताइए कि किस टेस्ट में पढ़ा है हॉर्स शू क्रैब का हम यूज करते थे, थोड़ा सा याद दिला देता हूं तो आप डोजेज फॉर्म के आप इवेल्युएशन में आ जाइए या फिर आप उसके टेस्ट में आ जाइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा जल्दी से। चलिए हॉर्स शू क्रैब, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर इज बी, क्या है आपका कुलची है, ठीक है बहुत अच्छे। चलिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो गया मेनली स्टोन सेल्स यहाँ पे आपको प्रेजेंट, लाल टेस्ट, लिमुलस अमीबोसाइट लाइजेट होता है, पेरेंट्रल्स में किया जाता है, इंडोटॉक्सिन की प्रेजेंस के लिए मेनली किया जाता है जो कि बैक्टीरिया के वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, लिपोपॉलीसेक्राइड इन नेचर होता है। चलिए लाल टेस्ट, वैसे और कौन कौन से टेस्ट होते हैं लाल टेस्ट के अलावा, ये भी आंसर करिएगा, मैं नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट हमारा क्या है इर्गोटॉक्सिन, क्या इर्गोटॉक्सिन इथेन सल्फोनेट, क्या इथेन सल्फोनेट इज यूज एज स्टैंडर्ड ऑफ एर्गोट एल्कोलाइड, दिस इज ए मिक्सचर ऑफ,
ठीक है, क्या ये किसका मिक्सचर होता है आपका, इर्गोक्रिस्टीन एंड इर्गोक्रोनिन का, इर्गोक्रिस्टीन एंड इर्गोक्रिप्टिन का, इर्गोक्रोनिन एंड इर्गोक्रिप्टिन का, इर्गोक्रिस्टीन इर्गोक्रोनिन एंड इर्गोक्रिप्टिन का। कमेंट बॉक्स में आंसर। सैम टेस्ट बहुत अच्छे, रैपिड टेस्ट वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए चलिए, इसमें कौन सा करेक्ट है? आंसर फर्स्ट, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज डी। क्या होता है आपका? इर्गोक्रिस्टीन और क्या है आपका? इर्गोक्रोनिन एंड इर्गोक्रिप्टिन। क्या होते हैं आपके मेनली ये, क्या है यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड है, क्या है स्टैंडर्ड है उसका ये मिक्सचर है, तो वो क्या है आपका? इथेन सल्फोनेट। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, क्या एक्सप्लेनेशन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन और ये बनता है कि आपका कौन सा पार्ट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर सोल्यूबल है और कौन सा वाटर इनसॉल्यूबल है। तो जो वाटर सोल्यूबल है वो है आपका क्या, इर्गोनोविन है, और जो वाटर इनसॉल्यूबल है, क्या है वाटर इनसॉल्यूबल है, दैट इज इर्गोटामिन। क्या है? इर्गोटामिन है एंड इर्गो टॉक्सिन है। यूज बताइएगा एर्गट एल्कोलाइट का मेनली कहाँ कहाँ यूज होता है, किस डिजीज में यूज किया जाता है, जल्दी से। नेक्स्ट, वेल डिफरेंशिएटेड, क्या वेल डिफरेंशिएटेड कैस्प्रीन, कैस्प्रियन, कैस्प्रियन स्ट्रिप इन इंडोडर्मिस इज फाउंड इन लोबेलिया, टाइलोफेरा, जटामांसी, वेरेट्रम, कुर्ची। ऑक्सीटोसिक है, बहुत अच्छे। माइग्रेन है, वेरी गुड, माइग्रेन में यूज किया जाता है, और माइग्रेन में ड्रग ऑफ चॉइस है आपकी सुमाट्रिप्टन। अब जल्दी से बताइए सुमाट्रिप्टन की बाइंडिंग साइट कौन सी है। बस बस ठीक है, माइग्रेन है। चलिए यहाँ आपने बताना है वेल डिफरेंशिएटेड कैस्पेरियन स्ट्रिप हमारी किसमें, किसके इंडोडर्मिस में हमारी फाउंड होती है। चलिए बहुत अच्छे, लोबेलिया। क्या है करेक्ट आंसर इज लोबेलिया, बहुत अच्छे। ये एक्सप्लेनेशन हो गया आपका, ठीक है, कि मेनली आपका क्या है, सिंपल पिट्स होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, कैस्पेरियन आपकी सुल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट प्रेजेंट इन सैंडलवुड, सैंडलवुड में, सैंडलवुड ऑयल में, सैंडलवुड आर्ट में हमारा मेनली क्या नहीं प्रेजेंट होता? अल्फा सेंटोलॉल, सैनेलिक एसिड, बी सेंटोलॉल एंड सेंटालोन। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जल्दी से, विच वन इज करेक्ट। बिल्कुल लोबेलिया अस्थमाबीड। चलिए सिनोनिम 5HT1B1D, वेरी गुड। चलिए बी इज दी करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे। क्या है आपका? सैनेलिक एसिड। क्या है? सैनेलिक एसिड है जो कि आपका सैंडलवुड ऑयल में मेनली प्रेजेंट नहीं होता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये आपका क्या है, सैंडलवुड में आपके 90% से ज्यादा सेस्क्यू टर्पीन, क्या सेस्क्यू टर्पीन्स, टर्पेनिक अल्कोहल्स देखने को मिलेंगे, जो कि 50-60% होते हैं, क्या ट्राइसाइक्लिक अल्फा सेंटोलॉल और बीटा सेंटोलॉल होते हैं, ठीक है, जो कि सेंटोलॉल का 20-25% क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। नेक्स्ट, कोलैप्स सेल, क्या कोलैप्स सेल बिटवीन इपिडर्मिस आर फाउंड इन जॉल्फिया, एर्गट, नक्सोमिका एंड फाइसोस्टिग्मा। कोलैप्स सेल आपका कहां प्रेजेंट होता है, बिटवीन इपिडर्मिस, किसके इपिडर्मिस के बीच, रॉयल्फिया, रॉयल्फिया, एर्गट, नक्सोमिका एंड फाइसोस्टिग्मा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर इज सी। पल्लवी, सिराजुद्दीन, अंजलि, मीना, आरती, रोहन, चलिए बहुत अच्छे, सी नक्सोमिका क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ये क्या हो गया आपका, एक्सप्लेनेशन हो गया, ट्राइकोम्स लार्ज थिक वॉल्ड आपको देखने को मिलेंगे, कोलैप्स सेल होगी बिटवीन किसके, एपिडर्मिस और जो भी हमारे क्या है नक्सोमिका में फाउंड होते हैं।
अच्छा, सॉयल में जो आपका वाटर होता है, ठीक है, सॉयल में आपका वाटर होता है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से वाटर का यूज करते हैं, उसका एक आपका स्पेशल टर्म है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सबराइज्ड, क्या सबराइज्ड सेल, विच रिएजेंट इज यूज्ड? स्कल्ट सॉल्यूशन, सुडान रेड, ट्राई नाइट्रोफिनॉल एंड एथेनॉल, फ्लोरोग्लुसिनॉल प्लस कंसंट्रेटेड HCl, प्लाज्मो डेस्मेटा डेस्मेटा मानसी। बेटा क्वेश्चन, मिनरल वाटर, शिवानी बेटा मिनरल वाटर आप देने जाते हो प्लांट्स को या मैं देने जाता हूँ मिनरल वाटर? चलिए आंसर फास्ट, सुडान रेड। बहुत अच्छे, क्या है आपका? सुडान रेड। सुडान रेड वैसे कैपिलरी वाटर का, किसका? कैपिलरी वाटर का प्लांट्स प्लांट्स क्या करते हैं? कैपिलरी वाटर्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या है हमारा सुडान रेड। अब इसका क्या है, टेस्ट है, यूज यहाँ पे दिया हुआ है मेनली, क्या है आपका सबराइज्ड सेल जो होती है मेनली उसकी डिटरमिनेशन के लिए ये यूज किया जाता है, जो भी आपका क्या है पॉलीस्टाइरीन सेलुलोज और सिंथेटिक लैक्रोस जो है उसको भी मेनली उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। सबराइज सेल के बारे में देख लेते हैं, मेनली इसमें दोनों टाइप के, क्या दोनों टाइप के, पॉली एलिफैटिक और पॉली एरोमेटिक डोमेन्स दोनों देखने को मिलेंगे, जो कि आपका क्या है क्रॉस लिंक्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ तान्या बेटा तुम जाना वहां बिस्लरी देने, ठीक है, मैंने सही आंसर दिया था सर, सुमित। ओके बेटा क्या आंसर दिया था? अगर कैपिलरी वाटर दिया था तो सही है। ए ड्रग एक्स व्हेन इंजेक्टेड टू टेल, क्या टेल ऑफ ए माउस ऑफ 2 वीक ओल्ड, पैल्पिटेशन, क्या पैल्पिटेशन, पहले तो पैल्पिटेशन का मतलब भी बताइए, टू प्लेस, ओके। दिस ड्रग स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन मैन, ऑल्सो एक्ट एज सीएनएस स्टिमुलेट, आइडेंटिफाई द ड्रग, ओके। क्या है आपका, छोटा चांद, डॉग पॉइजन, पेरीविंकल, कालाबार बीन? चलिए आंसर फास्ट, चलिए डॉग पॉइजन क्या है? रिदम डिस्टर्ब पैल्पिटेशन, बहुत अच्छे, डॉग पॉइजन, नक्स उनका सीनियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे, चलो वेरी गुड। क्या है आपका, डॉग पॉइजन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या है आपका, ब्रूसिन, क्या ब्रूसिन, जो कि आपका क्या है नक्स उनका में दो होते हैं बताया, स्टेकनिन होता है, ब्रूसिन होता है मेनली। ब्रूसिन क्या होता है आपका पैल्पिटेशन स्टिमुलस, आपका क्या है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट और कार्डियोवैस्कुलर को भी क्या होता है स्टिमुलेंट इफेक्ट शो करता है। चलिए इसी को हम डॉग पॉइजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, H2S गैस, क्या H2S गैस इज पास थ्रू प्लांट एक्सट्रैक्ट टू आइसोलेट ग्लाइकोसाइड, कौन सा, टू रिमूव एक्सेस लेड एसिटेट, यूज टू प्रेसिपिटेट टैनिन, टू डीएक्टिवेट एंजाइम प्रेजेंट इन प्लांट, टू ऑब्टेन प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट, टू ब्रेक डाउन दी ग्लाइकोसाइड लिंकेज। आपने बताना है विच वन इज करेक्ट। चलिए आंसर फास्ट, बहुत अच्छे, किस लिए, एक्सेस जो आपका लेड एसिटेट होता है उसको क्या करने के लिए, उसको हम मेनली रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या करते हैं, पास कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दी बायोलॉजिकली, क्या दी बायोलॉजिकली मोर एक्टिव रिड्यूस एंथ्राक्विनोन लूजेस देयर एक्टिविटी ड्यूरिंग स्टोरेज बिकॉज, ड्यूरिंग स्टोरेज क्या हुआ है आप, क्या होता है आपका, जो भी एंथ्राक्विनोन्स, क्या एंथ्राक्विनोन्स जो आपके हैं वो क्या करते हैं उसकी एक्टिविटी लूज आउट हो जाती है, क्यों, हाइड्रोलाइज, दे आर हाइड्रोलाइज्ड ओनली, ठीक है, वो हाइड्रोलाइज और ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाते हैं,
आइसोमराइजेशन होता है या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का वहां पे ब्रेकेज हो जाता है, क्या होता है इसमें से? चलिए, हाइड्रोलाइज भी होते हैं और ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। अच्छा, एंथ्राक्विनोन जो आपके ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसके पहले तो एग्जांपल बताइए, क्या क्या उसके एग्जांपल आएंगे, देन उसके बाद आप उसका यूज बताइए कि क्या क्या इफेक्ट वो मेनली शो करते हैं। आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करिए। बी, ठीक है। चलिए, ये हो गया, क्या आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, क्या है एक्सप्लेनेशन? यहाँ पे मेनली ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्या है, फ्रॉम एंथ्रॉल टू एंथ्रोन और ऑक्सेंथ्रोन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके क्या है, बायोलॉजिकली मोर एक्टिव, क्या रिड्यूस हो जाते हैं कि इसमें एंथ्राक्विनोन्स में उसकी एक्टिविटी ड्यूरिंग स्टोरेज, दैट्स व्हाई वो क्या हो जाती है, लूज आउट हो जाती है हाइड्रोलाइज और ऑक्सीडाइज होने की वजह से। एलोए बार्बिडेंसिस, बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ बता रहे हैं परगेटिव है, कुछ बता रहे हैं लेग्जेटिव है। तो बच्चों कोई बताएगा कि सेना आपका लेग्जेटिव है या परगेटिव है? आप कोई कैथेटिक्स भी बता ही दो भाई, आप लोग क्यों पीछे रह रहे हो? ठीक है, क्या है सेना, लेग्जेटिव, परगेटिव, कैथेटिक्स? आंसर फास्ट। चलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। द बार्क सरफेस शो प्रेजेंस ऑफ लेंटिकल्स, क्या लेंटिसेल्स, पैच ऑफ लाइचेन, कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ कोलेनकाइमा एक्सटर्नली एंड सेलुलोजिक पैरेनकाइमा ऑन इनर साइड, आइडेंटिफाई द ड्रग, क्या है? रुअम रेपनेटिकम, रुअमी पुसियाना, रुअम इमोडी एंड रुअम पाल्मेटम। चलिए, वेरी गुड, बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या है आपका, रेमनी पल्सियाना, क्या रेमनी पल्सियाना क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सप्लेनेशन हो गया। क्या टीएस ऑफ रेमनी पल्सियाना क्या करेगा, कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स स्क्लेराइड और आपका क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मेनली जो कॉर्टेक्स होता है वो आपका कोलेनकाइमा से मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है, कोलेनकाइमा से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, फ्रैक्चर ऑफ सोकोट्रिन एलॉय इज, ऑप्शन है आपके क्या, कॉनकॉर्डल, क्या कॉनकॉर्डल स्मूथ एंड इवेन, वैक्सी लाइक, स्मूथ एंड ग्लासी, क्या बताना है आपको, क्या बताना है यहाँ पे, कि जो आपका क्या है स्कोट्रीन है, स्कोट्रीन एलॉय है, उसका फ्रैक्चर कैसा है यानी कि वो ब्रेक डाउन करने पे, ब्रेक करने पे कैसा आपको वहां पे टेक्सचर दिखेगा, कॉनकोर्ड आइलैंड, कॉनकोर्डियल, स्मूथ एंड इवन, वैक्सी लाइक एंड स्मूथ एंड ग्लासी। बहुत अच्छे, क्या है आपका, कॉनकॉर्डल, क्या कॉनकॉर्डल आपको वहां पे फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, इज दी करेक्ट आंसर। ये आपका जितने भी आपके एलॉय हैं मेनली जो इंपॉर्टेंट है, कुराको, केप, स्कोट्रिन एंड जंजीबार, तो उसका क्या है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जहां पे आपका सोकोट्रिन जो एलॉय है मेनली वहां पे आपको क्या है, कॉनकॉर्डल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एसोफोटिडा, एसोफोटिडा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है यहाँ पे ट्रू है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस टी एसेंशन रीजन का है। पहला क्या है, बिलोंग्स टू फैमिली अम्बलीफेरी, ठीक है, कल्टिवेटेड अंडर गवर्नमेंट लाइसेंस, ठीक है, एडल्ट्रेटेड विथ रेड क्ले वीट फ्लोर, ठीक है, ड्यू टू पंजेंट स्मेल इट इज नॉट यूज इन कुकिंग, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एसोफोटिडा की। आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करिए।
वेरी गुड। पी एंड आर, पी क्या कह रहा है, फैमिली क्या है इसकी, अम्बली फेरी है। एंड आर, आर क्या है, एडल्ट्रेटेड किया जाता है, मिक्स किया जाता है किसके साथ, रेड क्ले और आटे के साथ, गेहूं का आटा जो व्हीट फ्लोर है उसके साथ। चलिए नेक्स्ट, एसोफोटिडा, ये आपका सिंपली जिसको हींग भी बोलते हैं, ओलियोगम रेजिन का एग्जांपल है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, एक्सुडेशन बाय इंसिजन ऑफ डीकैपिटेटेड राइजोम से आपका ऑब्टेंड होता है। ये क्या है, इसके एडल्ट्रेंट्स हो गए। एडल्ट्रेंट से भी क्वेश्चन पूछता है कि मेनली आपकी ये ड्रग है, इसका आपका इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडल्ट्रेंट ऑफ दिस ड्रग, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछता है। चलिए ए लॉक, यस बेटा ए लॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज यूज एज रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर बायोएसी। आई होप एक सिंगल स्टूडेंट का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिजिटलिस, थीवेटिया, स्ट्रोपैंथस, ओवाबेन, आंसर फास्ट। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या है आपका, ओवाबेन, ठीक है, डी डी क्या है आपका, ओवाबेन, जिसको स्ट्रोपैंथस जी, स्ट्रोपैंथस ग्रेटस से आपका मेनली ये ऑब्टेन होता है। 4-8% ओवाबेन आपका ये कंटेन करता है। चलिए नेक्स्ट, ड्रग एक्स, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, ड्रग एक्स हैविंग सिंथेटिक प्रिकर्सर ऑफ सेक्स हार्मोन, ओसीपीज एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज इन रूमेटिक आर्थराइटिक ट्रीटमेंट, ड्राई ट्यूबर इज यूज एज बायोलॉजिकल सोर्स, आइडेंटिफाई द ड्रग, जिनसेंग, यम, मुलेठी एंड मुसाबर। आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करिए। चलिए वेरी गुड, यम इज दी करेक्ट आंसर। यम क्या है, यम इज दी करेक्ट आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। मेनली क्या है आपका यहाँ पे, डायस्पोरिया है, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है आपका, ड्राइड राइजोम्स, जो कि हमारे क्या है, सेवरल स्पीसीज ऑफ डायस्पोरिया से उससे ऑब्टेन होता है। केमिकल्स क्या है, डायोसिन है, जो कि क्या है, स्टेरॉइड्स, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल है। देन यमोनिन भी है आपका। यूज की बात करें अगर तो आपका हार्मोन सिंथेसिस में यूज किया जाता है, एंड्रोस्टेरॉन्स में, डायरिया है, रूमेटिक आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रग एक्स इज एन आउटस्टैंडिंग ड्रग फॉर डायबिटीज, किसकी, डायबिटीज की ट्रीटमेंट की, कंटेन एल्कोलाइड बीटेन, क्या एल्कोलाइड बीटेन एंड कोलीन, लीव्स आर यूज, आइडेंटिफाई द ड्रग, लिकोराइस, ग्लिसराइजा ग्लैबरा, जिमनेमा सिल्वेस्टर, मधुनाशिनी हिंदी में इसको बोलते हैं, पिकोराइजर, चिराइटा, सोटिया चिराइटा, हेपेटोप्रोटेक्टिव है, बीटा ग्लाइकोसाइड है। जिमनेमा, बहुत अच्छे, क्या है हमारा, जिमनेमा है आउटस्टैंडिंग, क्या इसकी परफॉर्मेंस है किसमें, डायबिटीज ट्रीटमेंट में, ठीक है, दैट्स व्हाई इसको मधुनाशिनी भी बोलते हैं। ओके चलिए तो डायबिटीज से आ रहा है SGLT2 इनहिबिटर्स कौन है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइएगा जरा, SGLT2 इनहिबिटर और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फास्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए ये क्या है, इसको हम गुड़मार भी बोलते हैं, मधुनाशिनी इसका सिनोनिम है, जिमनेमा सिल्वेस्टर, क्या सिल्वेस्टर, बिलोंगिंग फैमिली एक्सलिपीडिएसी, ठीक है, और क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कोलीन हो गया, बीटेन हो गया, ट्राइमिथाइलामीन हो गए, इसके लीव्स में मेनली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल गॉल्थेरिया ऑयल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सिंथेटिक मेथाइल सैलिसिलेट बाय डेपाग्लिफ्लोजिन। रोमिता बेटा के से नहीं होगा, सी से होगा, जो कैनाग्लिफ्लोजिन लिखी हो, ठीक है। चलो कैनाग्लिफ्लोजिन इनहिबिट SGLT2 इन PCT।
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, इसका मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है, कोई बताएगा? SGLT2 इनहिबिटर का एडवर्स इफेक्ट नेचुरल डॉल्फेरियल हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे सिंथेटिक से? कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ड्यू टू इथेनॉल, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ड्यू टू एस्टर ऑफ एन हेप्टिल अल्कोहल, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ड्यू टू गॉल्थेरिन, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ड्यू टू रैंसिडिफिकेशन। आंसर फर्स्ट, चलिए बहुत अच्छे, क्या बोलते हैं इसको, बी 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 क्या है आपका सही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ड्यू टू एस्टर ऑफ एन हेप्टिल अल्कोहल इज द करेक्ट आंसर। स्किप थायोजुलिडीन डायोन। जो भी आपका क्या है SGLT2 इनहिबिटर है, उसका मेन जो एडवर्स इफेक्ट है वो आपका क्या है, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज का री अब्जॉर्प्शन है जो कि आपका PCT वगैरह में होता है, PCT में होता है, तो उसको ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है तो यूरिन के थ्रू आपका क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। दैट्स व्हाई उस टाइम में क्या होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, माइक्रोबियल ग्रोथ के, UTI के। ओके चलिए रोमिता, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ग्लाइकोसूरिया वैष्णवी ग्लाइकोसूरिया, बिल्कुल ग्लाइकोसूरिया ये एडवर्स इफेक्ट नहीं है, एडवर्स इफेक्ट माइक्रोबियल अटैक है। ठीक है चलिए, ये आपका हो गया क्या एक्सप्लेनेशन, हो गया जहाँ पे आपका क्या एथनॉलिक अल्कोहल्स और उसके एसिड्स प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट, चिनिपोडियम ऑयल। क्या चिनिपोडियम ऑयल कंटेन अनसैचुरेटेड टर्पीन कंपाउंड नोन एज एस्केरिडॉल, क्या एस्केरिडॉल हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज, ऑक्साइड लिंकेज, मेथिलीन ब्रिज एंड इथिलीन ब्रिज, व्हिच वन इज करेक्ट? चलिए आंसर फास्ट, चिनिपोडियम का जो आपका आपका जो ऑयल है एंटी हेलमेंथेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपका वर्म्स हैं एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड्स हो गया, टीनिया सेजिनेटा, टीनिया फोलियम, जो भी आपके हेलमेंट्स आ गए उसको किल करने में यूज किया जाता है चिनिपोडियम का ऑयल। उसी तरीके से आपका कॉलमोग्रा ऑयल आपका एंटी लेप्रोटिक प्रॉपर्टी कंटेन करता है। चलिए वो वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पेरोक्साइड लिंकेज। ये हो गया क्या आपका चिनिपोडियम ऑयल। ओके, एल लिमोनिन आपको देखने को मिलेगा, कैम्फर, माइसिन, ओके पी साइमिन, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अनसैचुरेटेड टर्पीन पेरोक्साइड हो गया यहाँ पे, जो कि 70-80% आपको देखने को मिलेगा। टेप वर्म बहुत अच्छे, टीनिया सोलियम जिसको बोलते हैं निखिल, बेटा लेप्रोसी में कॉलमोग्रा ऑयल, क्या कॉलमोग्रा ऑयल। चलिए नेक्स्ट, विच वोलेटाइल ऑयल इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिट्रल, सिंथेसिस ऑफ बीटा आयनोन सिट्रल, मेंथॉल, पाल्मरोसा ऑयल, ऑरेंज पील, इंडियन मेलिसा ऑयल। आंसर फास्ट, बहुत अच्छे, इंडियन मेलिसा, लेमन ग्रास को ही हम क्या बोलते हैं, इंडियन मेलिसा, और किसका आपका बोटेनिकल नेम क्या है, सिम्बोपोगन, क्या सिम्बोपोगन सिट्रस। ओके चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, मेलिसा ऑयल, इंडियन मेलिसा ऑयल, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, यहाँ कन्वर्जन ऑफ बीटा आयनोन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, कैरेटिनॉइड्स यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है किसके, कैरेटिनॉइड्स के सिंथेसिस में। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल सोर्स भी आपका दिया हुआ है सिम्बोपोगन सिट्रस, किसका, लेमन ग्रास ऑयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच इज नॉट ए माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ क्लो, यूजेनिया कैरियोफाइलस जिसका नाम है, ठीक है, फैमिली मिर्टेसी है, मेन केमिकल कॉन्सेंट्रेट यूजिनॉल है, यूज डेंटल एनाल्जेसिक और कार्बिनेटिव है। ओके सिम्बोपोगन सिट्रस, ठीक है, हाँ माइक्रोस्कोपिक फीचर किसका, प्रेजेंस ऑफ स्टोन सेल, प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, प्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जल्दी से आपने बताना है कौन सा आपका क्या है, नॉट ए माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ क्लो। यस बहुत अच्छे, डी इज द करेक्ट आंसर, क्या प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये इसका क्या है माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। चलिए
अब ये क्या है, आपके ग्लोब के अलग अलग पार्ट है, लाइक हाइपेंथियम क्या है, इपिडर्मिस में लिए आपके थिक क्यूटिकल से कवर रहती है, ठीक है। ये क्या है आपका हाइपेंथियम हो गया, इपिडर्मिस सिंगल लेयर, एल्मोसिटिक और रैनेनकुलेसियस स्टोमेटा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और कॉलुमेला में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्राइकोम्स, स्टार्च, हाँ। तो बेटा यहाँ मदर ग्लोब थोड़ी ना लिखा है, यहाँ तो ग्लोब लिखा है ना, मदर ग्लोब होता तब आपका प्रेजेंट होता, ठीक है। चलिए लार्ड मेनली कंटेन्स क्या, लार्ड मेनली कंटेन्स ओलिन एंड स्टेरिन, सिनॉल, ग्रेनियॉल एंड कार्बोन एंड पैप्रिडीन एंड पाइप्रीन, आपने यहाँ पे बताना है विच वन इज करेक्ट। लार्ड मेनली कंटेन्स, लार्ड मेनली क्या कंटेन करता है, ओलिन एंड स्टीयरिन, क्या है ओलिन एंड स्टीयरिन, बहुत अच्छे, इज दी करेक्ट आंसर, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ये क्या हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, स्ट्रोफा क्या हो गया, फैमिली सोडी है किसकी, लार्ड या फिर एडेप्स की, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपका स्टीयरिन और पाल्मिटिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए ऑइंटमेंट बेस बनाने के लिए मेनली ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट टैनिंस, चलिए ऑइंटमेंट बेस यहाँ पे दिया हुआ है कि यूज ऑइंटमेंट बेस है, तो मुझे जल्दी से ये बताइएगा कि जो भी आपकी सेमी सॉलिड डोज फॉर्म यानी कि जो भी आपके ऑइंटमेंट है उनके इवेल्युएशन के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप इवेल्युएशन के नाम, कौन कौन से मेथड है सिर्फ उसके नाम बताइए, और कुछ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ओनली नेम नेम बताइएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, टैनिन्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू, किसके टूवर्ड्स, किस टेस्ट के टूवर्ड्स टैनिन आपका रिस्पॉन्ड नहीं करता, गोल्ड बीटल स्किन टेस्ट, फेनाजोन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट या फिर ब्राउन टाइगर टेस्ट। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ब्राउन टाइगर टेस्ट के टूवर्ड्स आपका जो टैनिन है वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। चलिए लक्ष्मी बहुत अच्छे, एक्सट्रूडेबिलिटी बहुत अच्छे, वेरी गुड, और बेटा और बताओ, कुछ बच्चों ने तो आज ही पढ़ा है उसके बाद भी वो सन्नाटे में चल रही हैं। चलिए करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज स्प्रेडबिलिटी, सगुन शर्मा बहुत अच्छे, यील्ड वैल्यू वेरी गुड, स्प्रेडबिलिटी, यील्ड वैल्यू एंड एक्सट्रूडेबिलिटी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया आपका गोल्ड बीटल स्किन का, ऑक्स इंटेस्टाइन की स्किन ली जाती है, देन HClO वाटर से 5 मिनट के लिए ट्रीट कराते हैं, देन फेरस सल्फेट की प्रेजेंस में ब्राउन या फिर ब्लैक कलर स्किन का आपको देखने का मिलेगा, जो कि क्या बताता है कि टैनिन वहां पे प्रेजेंट है, क्या है टैनिन वहां पे प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, द ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड विद एल्कोहल एंड फिल्टर्ड टू फिल्ट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ द लाइट पेट्रोलियम इज एडेड एंड शेकन, पेट्रोलियम लेयर शोज ग्रीन फ्लोरेसेंस, प्रोबेबल प्रोबेबल ड्रग इज, कौन सी ड्रग हो सकती है, ब्लैक कटैचू, पेल कटैचू, सेरेलिया टाइनोफेरा जो कि सोरियासिस में यूज की जाती है, ओपियम, विच वन इज करेक्ट, आंसर फास्ट। सिपिंग बहुत अच्छे, सिपिंग भी टेस्ट होता है आपका, लिक्विफेक्शन, एक्सट्रूडेबिलिटी, स्प्रेडेबिलिटी। चलिए सुमित देख के आया। हाँ बेटा सुमित का आंसर काफी लेट में आया, मुझे भी यही लग रहा है। चलिए वेरी गुड, कौन सा है आपका बी, दैट इज पेल कटैचू। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या, इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है जो गैम्बियर फ्लोरोसेंस टेस्ट, कौन सा, गैम्बियर फ्लोरोसेंस टेस्ट आपका यहाँ पे होता है, ओके। क्या होता है, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिक्विड पेट्रोल को हम मेनली शेक कर रहे हैं, देन समटाइम्स के लिए क्या एलोन उसको लेफ्ट कर दिया, देन ग्रीन फ्लोरोसेंस, क्या आपको ऑब्जर्व होगा ग्रीन फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा लिक्विड पेट्रोल लेयर में,
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका, फाइंड दी रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूसिलेज। म्यूसिलेज के रिगार्डिंग आपने बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। दे आर दी नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ दी सेल, सेल के क्या है ये नॉर्मल प्रोडक्ट है। दूसरा क्या है, दे आर नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड स्टर, सल्फ्यूरिक एसिड के क्या है नॉर्मली स्टर्स है। देन दी एस्टर ग्रुप इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, दे आर प्रोड्यूस बाय इंजरी टू प्लांट्स। आंसर फास्ट, देखिए म्यूसिलेज और गम में आपका डिफरेंस होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, म्यूसिलेज और गम में डिफरेंस होता है विदाउट इंजरी। चलिए गम इज प्रोड्यूस्ड बाय इंजरी, बहुत अच्छे पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इसी कंडीशन में। चलिए करेक्ट आंसर इज डी, वेरी गुड। अब ये एक्सप्लेनेशन देखिए कि मेनली क्या आपका डिफरेंस है जो अभी आपके म्यूसिलेज और गम्स हैं उनके बीच में। म्यूसिलेज की अगर बात करूं तो मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट है, क्या नॉर्मल मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, जो कि आपका क्या है फॉर्म विद इन सेल कंसिस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड स्टर्स, ठीक है, जो कि आपके क्या है पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। चलिए एग्जांपल है साइलियम आपका यहाँ पे एग्जांपल हो गया। गम्स की अगर मैं बात करूं तो क्या है आपका यहाँ पे पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑफ क्या है आपका कैल्सियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम सॉल्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपका पॉलीयूरोनाइड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ट्राइगाकाइन, ईस्टर गुलिया, कैसिया, इसके क्या हो गए एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका पेंटोसेन, क्या है आपका मैराथन अभी जल्दी खत्म हो जाता है दीपक, चलो बेटा पेंटोसेन प्रेजेंट इन, पेंटोसेन आपका प्रेजेंट इन इसबगुला हस्क ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड। ऑन हाइड्रोलिसिस हमने क्या यील्ड होगा, क्या यील्ड होगा गैलेक्टोनिक एसिड एंड रेनोज, ऑक्सैलिक एसिड एंड एससीएल, बेंजोइक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ज़ाइलोज एंड एरागिनोज। विच वन इज करेक्ट, आंसर फास्ट। चलिए बहुत अच्छे, डी इज द करेक्ट आंसर, डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है क्या है ज़ाइलोज और एरेबिनोज, आपको वहां पे क्या होगा यील्ड होगा। चलिए आज की क्लास के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन मेनली क्या बायोलॉजिकल सोर्स प्लांटेगो ओवाटा आपका क्या है फैमिली प्लांटेजिनेसी है, किसकी आपकी मेनली इसबगुल की, डी ज़ाइलोज और एल एरेबिनोज इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिरेसियोपेप्टिडेज, क्या सिरेसियोपेप्टिडेज आपने इसका नाम भी सुना होगा तो मुझे जल्दी से बताइए किस क्लास की है और इसका एक्शन क्या है, क्या सिरेसियोपेप्टिडेज, आंसर फास्ट जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम, आंसर फास्ट। बेटा अभी थैंक यू नहीं, अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर करो, सिरेसियोपेप्टिडेज। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, ड्रोटावरिन और पिक्रोमिलास्ट आपकी किस क्लास की ड्रग है। अच्छा सुमित बेटा एज लगा है तो एंजाइम होगा, ये क्लास एट्थ का भी बच्चा बता देगा। अब क्लास एट्थ के बच्चे एट स्टैंडर्ड का जो है और आप जहां हो कुछ तो उसमें फर्क होगा, तो बताओ कि किस क्लास की आपकी ड्रग है। बिल्कुल कट टू कम प्रिया जो भी, ठीक है, डिक्रीज स्वेलिंग, क्या करता है ये स्वेलिंग को डिक्रीज करता है, पीडी फोर इनबीटर, बहुत अच्छे साल में ड्रोटावरिन और पिक्रोमिलास्ट क्या है आपका मेन लिए पीडी फोर इनबीटर है, बहुत अच्छे। चलिए ड्रोटावरिन मेफेनमिक एसिड एंटी स्पाजमोडिक हो गया, पेन इंड्यूसिंग पेन किलर कौन सा है, पेन इंड्यूसिंग पेन किलर, आंसर फास्ट, पेन इंड्यूसिंग पेन किलर।
पेन इंड्यूसिंग पेन किलर नाम बताइएगा। इंडोमेथासिन, बहुत अच्छे। क्या करता है? एडवर्स इफेक्ट है इसका क्या? फ्रंटल हेडक। अब कोई ड्रग आपने ली एनएसएड्स, वो क्या कर रही है? फ्रंटल हेडक कॉज कर रही है, ठीक। आपने लिया था क्या उसको, लिए पेन को किल करने के लिए, देन अगेन वो फ्रंटल हेडक कॉज कर रही है, दैट्स व्हाई वो क्या है आपका, पेन इंड्यूसिंग पेन किलर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, लाइट डिटेक्टर में मेनली हम कौन सी ड्रग का हम यूज करते हैं, आपने पढ़ा भी है उसके बारे में। लाइट डिटेक्टर में हम कौन सी ड्रग का यूज करते हैं, लाइट डिटेक्टर में उसके आप पैच भी आपने सुना होगा कि लगाए जाते हैं, मोशन सिकनेस में दिया भी जाता है। चलिए, हायोसिन, वेरी गुड। क्या है आपका? हायोसिन है आपका मेनली, क्या है आपका, जो लाइट डिटेक्टर में दिया जाता है। चलिए, इंडोमेथासिन, ठीक है। यूनिवर्सल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट, एनीवन, यूनिवर्सल एंटीडोट। इन लाइट डिटेक्टर, यस डियर, लाइट डिटेक्टर में आपका ये दिया जाता है। डोप टेस्ट हम किसके लिए परफॉर्म करते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल नहीं, एक्टिवेटेड चारकोल। डोप टेस्ट हम मेनली किसके लिए परफॉर्म करते हैं? और दूसरा, हेपा फिल्टर की इफिशियंसी। क्या हेपा फिल्टर की इफिशियंसी को चेक करने के लिए हम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, आंसर फास्ट। सुमित बेटा, ये एरोसोल में डोप टेस्ट कहाँ से आ गया? हेपा, ठीक है, बहुत अच्छी, 99.97, ठीक है, डाई ऑक्टाइल थैलेट होगा। चलिए, रेडियल वॉकर टेस्ट में, रेडियल वॉकर टेस्ट में हम कौन सा स्ट्रेन यूज करते हैं? रेडियल वॉकर टेस्ट में तान्या डाई ऑक्टाइल थैलेट, चलिए बहुत अच्छे। रेडियल वॉकर टेस्ट में, सॉरी सर, हेपा लिखना था, यही 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 जल्दी क्या करा देती है, माइनस मार्किंग करा देती है। सालनी डॉट, अच्छा डॉट टेस्ट, हाँ डॉट होता है, मैंने डोप डोप लिखा है बेटा, टी नहीं लिखा, ठीक है। चलो, सॉल्मोनेला टाइफी, चलिए बहुत अच्छे। यूवी रेडिएशन में आपका कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज किया जाता है? यूवी रेडिएशन में, आंसर फास्ट। यूवी रेडिएशन में कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, यूवी रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, इन सभी में आपका कौन कौन सा इंडिकेटर, कौन सा केमिकल इंडिकेटर, कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर, फिजिकल इंडिकेटर यूज किया जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन, एंड प्लीज डू कंटिन्यू योर स्टडी, अपनी स्टडीज पीक पे रखिए, जरा भी डीमोटिवेट तो बिल्कुल मत होइए, ठीक है। और ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि बार बार आपको कोई मोटिवेट करे, इनर मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आधे घंटे गए किसी से मोटिवेट हो गए, अब आधे घंटे जम के पढ़ रहे, उसके बाद लेट गए, ठीक है, पढ़ाई बंद, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, रोमिता, वेरी गुड, 49/50, बहुत अच्छे। और बाकी के मार्क्स, चलिए ठीक है, इट्स ओके। चलिए, यूवी फिल्ट्रेशन में बैसिलस पम्बलिस, क्या था आपका,
बैसिलस पम्बलिस था आपका और बैसिलस स्फेरिकस, ठीक है। केमिकल अगर इंडिकेटर की बात करूं क्या, केमिकल इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो वहां आपका केमिकल डोजीमीटर, क्या केमिकल डोजीमीटर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। चलिए कुमकुम 49, समीक्षा 46, बहुत अच्छे, और मेहनत करो बेटा। दिनेश और इम्प्रूवमेंट करो। पल्लवी 42, वेरी गुड। रोशन 47, अनुश्री 45, और मेहनत करिए। कीप इट अप, कीप इट अप। 46 टू स्किप टू रॉन्ग, ओके डियर। नवीन थैंक यू सर, ओके डियर। चलिए दिव्या 45, शाह मधुर 44, चलिए बहुत अच्छे। ऋषिकेश वानखेड़े 50%, ओके कीप इट अप। चलिए ओके, सो डियर स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।